सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम मटन खीमा, एक कप चने की दाल, इस दाल को हमें भिगोना है। एक बाउल में हम लेंगे ये खीमा, चने की दाल, एक कटा हुआ ऑनियन, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी कटी हुई धनिया। इन सारी चीज़ों को हम एक प्रेशर कुकर में या फिर एक बर्तन में पकाएंगे जब तक कि खीमा और दाल ना गल जाए। ये मिक्सचर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इस मिक्सचर में। इसको पकाने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इसका, मीट बॉल बनाने के लिए। पेस्ट बनाकर फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में हम डालेंगे ये फ्राइड ऑनियंस, बिरिस्टा जो कहते हैं, और हमने इधर रखे हुए थोड़े ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए, हमने लिया है बादाम, काजू और किशमिश, हमने इसको फ्राई किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर हम मीट बॉल्स में फिल करेंगे और फिर मीट बॉल्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल इधर है, ऑयल लेना, ऑयल डीप फ्राई के लिए ऑयल चाहिए। अभी हम बताएंगे पुलाव के लिए क्या चाहिए। पुलाव बनाने के लिए हम लेंगे 4 स्लाइस्ड ऑनियंस, 3 से 4 स्लाइस टमाटोज, पुदीना 1 कप, हरा धनिया 1 कप, और हमने तकरीबन 1 किलो बासमती चावल को पानी में भिगोया है। इसको हम आधे घंटे तक भिगो के रखेंगे। और हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पुलाव बनाने के लिए भी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, फिर हम चावल पकाकर दम के लिए रखेंगे। चावल बनाने के लिए, चावल बॉईल करने के लिए हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, 2 या 3 इलायची, मोटी इलायची 1 से 2 और 1 स्टार एनिस। इसमें चावल के पानी में अच्छा सा फ्लेवर आएगा और जब चावल उबलेगा तो चावल में भी अच्छा सा फ्लेवर इन सारी चीज़ों का आएगा, ये पुलाव में अच्छा सा टेस्ट लेकर आएगा। हमने जो दाल और खीमा मिलाकर पकाया था उस मिक्सचर को हमने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया हुआ है। ये ग्राइंड किए हुए मिक्सचर में हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे बाइंडिंग के लिए। इन्हें हमें डीप फ्राई करना है तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। ये मिक्सर ड्राई ही रहना चाहिए, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा तो फिर मीट बॉल्स फूट जाएंगे। थोड़ा हाथ को गीला करेंगे और हम इसमें लेंगे एक बॉल जैसा मिक्सचर, बॉल जितना। इस तरह से हम इसको शेप करेंगे ताकि हम फिलिंग डाल सकें इसमें। इसमें हम डालेंगे ये बिरिस्टा और ड्राई फ्रूट की फिलिंग, फिर हम इसको कवर करेंगे पूरी तरह से। हमने फिलिंग को अच्छा से कवर कर लिया है। देखिए हमारा ये मीट बॉल तैयार है। हम और ऐसे बनाएंगे, फिर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अभी इन मीट बॉल्स को हम डीप फ्राई करेंगे। ये गोल्डन होने तक हमें फ्राई करेंगे। ध्यान रहे धीमी आंच पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है या फिर जल जाएंगे। ये देखिए हमारा ये मीट बॉल फ्राई हो गया है किचन टेबल पर। इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप तेल, दालचीनी, 2 से 3 इलायची, 2 मोटी इलायची, इसको हल्का सा भूनेंगे। हमने 4 ऑनियन स्लाइस किया हुआ है,
ये गरम तेल में हम इनको डालेंगे अभी। ऑनियंस को थोड़ा फ्राई करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये जल्दी फ्राई होने भी मदद करेगा और इसका पानी भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। 3 या 4 स्लिट की हुई हरी मिर्च, इसका कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इन्हें गोल्डन नहीं करना है। अभी हम डालेंगे इसमें 1 कप पुदीना, इसको भी हम साथ में फ्राई करेंगे, इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चलिए अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच, अदरक का पेस्ट 2.5 चम्मच, इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, दो चम्मच, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 कटे हुए टमाटर इसमें डालेंगे, अच्छा सा हरा धनिया, आप सर्व करते वक्त भी आप हरा धनिया ऊपर डालकर सर्व कर सकते हैं और ये ग्रेवी में भी थोड़ा हरा धनिया लगेगा। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे और पकने देंगे जब तक कि ये टमाटोज मशी ना हो जाए, पल्पी ना हो जाए, फिर इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। फिर इसको चावल बॉईल करके इसके ऊपर डालेंगे। चावल पकाने के लिए हमने लिया है पानी 1 बर्तन में, हम 1 किलो चावल यूज़ कर रहे हैं। तो हम डालेंगे नमक 3 चम्मच या 3.5 चम्मच नमक डालेंगे चावल उबालने के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी, 2 मोटी इलायची, 1 स्टार एनिस और 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग। पानी को बॉईल करेंगे, फिर हम इसमें चावल डालकर ये चावल को 80% तक पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा दानेदार रहना चाहिए चावल, फिर इसको हम ड्रेन करके ये ग्रेवी के ऊपर डाल के दम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी उबल रहा है, हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल को हमने 1/2 घंटा पहले भिगोया था, इसको हम अच्छा से पकने देंगे। ये पूरी तरह गलना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई, पक चुकी है अच्छी तरह से, तेल भी अच्छा ऊपर आया है। हम स्टोव को बंद कर देंगे, अभी चावल पकने के बाद इसके ऊपर डालकर दम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चावल पक चुका है, हमने चावल को अच्छा से ड्रेन किया है, अब ये चावल हम ग्रेवी पर डालेंगे। चावल को अच्छा से ग्रेवी पे स्प्रेड करके हल्का सा हम ऐसे मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करके चावल को हम दम पे रखेंगे ताकि ये पूरी तरह से पक जाए। हमारा पल्ला तैयार हो चुका है। इन मीट बॉल्स को हम ऐसे इस पर सजाएंगे, सिल्वर पेपर लगाकर ऐसे सजा सकते हैं या फिर ऐसे भी परोस सकते हैं बगैर सिल्वर पेपर के। मीट बॉल्स के अंदर की फिलिंग कुछ इस तरह रहेगी। ये कुछ अलग तरीके के मीट बॉल्स हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा।